प्रश्न गुरु, आज दिनांक 14 अगस्त 2020 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एजुकेशन गुरु 14 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि युवाओं की आवाज़ और कार्य और उनकी सार्थक पहल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनकी युवाओं की आवाज़ और कार्य और उनकी सार्थक पहल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 17 दिसंबर 1999 को से मनाना चालू हुआ और संयुक्त राष्ट्र सभा महा द्वारा 17 दिसंबर 1900 यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को हर साल 12 अगस्त को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए केन्या। बीरेंद्र पाल को केन्या देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और बात केन्या की है तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी NAIROBI, नैरोबी है। और वहाँ की करेंसी केन्या शिलिंग है, केन्या की करेंसी केन्या शिलिंग है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ए नरेंद्र सिंह तोमर ने डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर फोर, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ए सोमा मॉडल को सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया है। अब बात सेल की है तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि न्यू दिल्ली है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ए बिहार। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीक साझा की है? तो इसका आंसर होगा ए इजराइल देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीक साझा की है। अब बात इजराइल की है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की करेंसी इजरायली नई सेकेल है।
इजरायली नई सेकेल है, इजराइल की करेंसी इजरायली नई सेकेल है। क्वेश्चन नंबर एट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। ये गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान योजना सहाय शुरू की है, और ये इसलिए शुरू की है जिससे किसानों की सहायता हो सके, अधिक से अधिक सहायता हो सके, इसलिए किसान सहाय योजना शुरू की है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ए, मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है। अब बात मुंबई की है, तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POC डिवाइस लॉन्च किया है? किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉस POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसके आंसर होगा ए, पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो बात पेटीएम की है, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में भारत की राजधानी नई दिल्ली के सटे एक नोएडा में हुई थी। पेटीएम की स्थापना 2010 में नोएडा में हुई थी और इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा जी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।